नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। अपने गंभीर स्वभाव और गंभीर पारियों के लिए जाने जाने वाले गौतम गंभीर जब तक भारतीय टीम में थे, टीम की जान थे। 2007 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत को 1983 के बाद दूसरी बार T20 विश्व विजेता बनाने में गंभीर का गंभीर योगदान रहा। 2011 के विश्व कप में भी गौतम गंभीर ने 97 रनों की पारी खेली। अपने शांत स्वभाव और संयम भरी पारियों से गौतम ने भारतीय टीम को मुसीबतों से निकाला। गौतम गंभीर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर तो बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन गंभीर अब राजनीति में अपनी दूसरी पारी के लिए बिल्कुल तैयार है। गौतम ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारत में एक बहुत बड़े वर्ग में गौतम को पसंद किया जाता है। गौतम के बीजेपी में आने से पार्टी में खुशी का माहौल है। बीजेपी पार्टी गौतम पर बड़ा दाव लगाने की तैयारी में। गौतम के लंबे समय से बीजेपी में आने की अटकलें लग रही हैं। उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही अब इन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। वीरेंद्र सहवाग को पार्टी ज्वाइन करने का बीजेपी ने ऑफर किया था। सहवाग के मना करने के बाद सहवाग के ही साथी के बीजेपी में प्रवेश से खुशी का माहौल है। बीजेपी को अपने विचारों की पार्टी मानने की वजह से गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। गंभीर ने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित, गंभीर राष्ट्रीय विचारों के लिए जाने जाते हैं। गौतम फाउंडेशन के जरिए शहीद परिवारों के लिए सहायता पहुंचाने में गौतम हमेशा आगे रहे। हाल ही में पुलवामा हमले के शहीद CRPF जवानों के बच्चों की शिक्षा का दायित्व भी गौतम ने उठाया। बीजेपी गंभीर को लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा सकती है। गंभीर नई दिल्ली से ही है। कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी के गौतम की पार्टी में आने से अपने मिशन की मजबूती पर पूरा भरोसा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट के मैदान में परिस्थितियों के हिसाब से खेलने वाले गंभीर सियासी पिच पर कैसी बल्लेबाजी करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।